हेलो किवू। सो आज है किवू का हेयर कटिंग डे। हाँ, इसका किवू शोन का भी हेयर कट होगा और किवू का भी हेयर कट होगा। किवू इधर देखो, से हेलो। हाँ, हेयर कट होंगे अभी। और इधर हमारी मशीन चल रही है। वाह, किवू के जो हेयर है वो बहुत ज्यादा अजीब से हो रहे थे, तो वी थॉट कि चलो लेट्स सी। तो वाओ, किवू इज सो सीरियस। सुना, आगे से हटो बेटा। किवू बस बस एक सेकंड। वेरी नाइस। किवू रुक जाओ, ये आवाज करता है बस ऐसे, देखो कुछ नहीं करता है, देखो ऐसे यहाँ से टच करके देखो, ऐसे टच करके आवाज करता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। लो सुना, आप क्या गुदी गुदी हो रही है ना इसलिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रोना क्यों? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे कितने सुंदर हो गए। हाँ हाँ, बोले मेरे को ये कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता, इससे बस आवाज करता है। अच्छा चलो, हो गया, हो गया। रेडी चलो, हम वहाँ जा रहे हैं। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? ये नहीं कटाने? नहीं, ये ठीक है। चलो आप पकड़ो। गया, देखो। चलो चलो, अब भाई के कटेंगे, देखो भाई के। एक बार भाई के हेयर कट होंगे। की वो क्या हो गया? मैं चलो। क्या हो गया की वो? क्या हो गया? क्यों? तो ये फर्स्ट टाइम मैंने जो केक है वो ट्राई किया है और ये काफ़ी ठीक बन गया। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा बन जाएगा, पर काफ़ी अच्छा बन गया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो जिस दिन हमने ये केक बनाया उस दिन था बुन्नी का बर्थडे। बुन्नू इज माई नेफ्यू और उसका बर्थडे था, तो केक भी सेलिब्रेशन भी हमें मिल गया कि चलो भाई आज बर्थडे है तो केक कट करेंगे। और अभी जो है वीडियो चैट पे हम उसी से बात कर रहे हैं। और किवू और शोना, अभी ये एक्चुअली थोड़ा सा गर्म है कि बट शोना क्या उसको काटने पे लगा हुआ है कि मुझे कट करना है, और बस अब उसी की तैयारी चल रही है दोनों की, इसको हमें कट करना है और चाकू लेकर आ रहे हैं। तो लेट्स सी, देखें कैसे। शोना ने तो इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े ही कर दिए, मतलब ऐसा नहीं छोड़ा कि इसको हम चार पीस में कर ले, क्योंकि इतना बड़ा केक नहीं था, छोटा सा केक बनाया था। तो क्योंकि ट्रायल था तो सोचा कि पहले थोड़ा ही बना के देखते हैं, उसके बाद पूरा बनाएंगे। और ये देखिए किस तरीके से इसको, बड़ा मज़ा आ रहा था कट करने में, इसने तो इसका कुचुम्बर निकाल दिया। और ये क्यों आ गया अपनी स्पून लेकर कि भाई मैं तो स्पून से खाऊंगा। और ये देखिए, और हम बुन्नी को वही दिखा रहे हैं कि हमने तेरा केक कट कर दिया है, और काफी अच्छा, काफी स्पंजी और बहुत ही यू नो अच्छा बना था। और ये देखिए, ये रहा बुन्नी, हिज नेम इज आदित्य। हैप्पी बर्थडे बुन्नी। और ये अब मैं इनको टेस्ट करा रही हूँ, थोड़ा सा गर्म है। एक्चुअली वेट भी नहीं किया कि थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ट्राई करें, लेकिन नहीं, शुरू हो गए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर लच्छा पराठा। तो सबसे पहले आपको डो तैयार करना है, उसके अंदर आपको ऑयल डालना है, बेसिक जैसे आप ट्राई करते हैं, बस थोड़ा सा फालतू ऑयल डलता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद ऐसे एक बेल कर उसको हम ऐसे कट करेंगे और फोल्ड करेंगे और रख देंगे। फिर उसके बाद हल्का हल्का इसको हम यू नो बेलेंगे। तो जो मेरी आगे की वीडियो थी वो नहीं बन पाई, बट हाँ जितना मेरे से हुआ वो मैंने ट्राई किया।
तो प्रोसीजर इज दिस, और आगे तो फिर वही है कि आपको बस हल्के हाथ से उसको बेलना है और जस्ट जैसे पराठे आप बनाते हैं वैसे उसको बनाना है। तो इतना हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में और काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक भाई, इतना तो हॉट भी नहीं है। हाँ ये हॉट है, ये तो हॉट है, दूसरे वाली खाओ, अपने पास वाली नहीं, नहीं ये वाली नहीं, आपको ये वाली खानी है, ये वाली है। ये तो हॉट है, हाँ ये खा लो। देखो कैसे लेट लेट के खा रहे हैं। आप बैठ जाओ, आप इसके ऊपर बैठ जाओ। अरे कैसा था ना, शिवू क्या कर रहे हो? ओह वेरी गुड, मैंने पैर में भी लगा दिया। कोई बात नहीं, ठीक है बाहर आओ। नहीं नहीं उससे पहले वो ले लेना वरना वो सब जगह लगा देगा। शिवू आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो? हाँ चलो क्लीन करता हूँ। क्या करना है? हाउस कहाँ पे बनाना है? यहाँ पे बनाना है। चलो अपना सामान लाओ, हाउस बनाने वाला, जल्दी हाउस बनाने वाला सामान लाओ फटाफट। हिची हाउस बनाने वाला सामान कलेक्ट करना है इसका। लो ये वो आपके हाथ में पिलो लगे, जल्दी जल्दी आओ आपके हाथ में पिलो लगे। अच्छा ये भी किया आपको? ओह देखो सारे के सारे हाउस बना लिए इसने, जल्दी से पहुंचो, चलो चलो जल्दी जाओ। ओए यू नो, अच्छा ये भी लाना, लाओ मेरे को। What are you doing? Oh, you are playing with Imadi. Oh. डॉगी, डॉगी कैसे करता है? वो और क्या क्या है आपके पास? बेयर, ये कैसे करता है? नो ये तो पांडा है, पांडा ये कैसे करता है? चलो बाय 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 बाय, आप लेटी लेटी कर लो अपने हाउस में, आप लेटी लेटी कर लो अपने हाउस में, लेट जाओ लेट जाओ। यस वेरी गुड, चलो बाय बाय। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे जो मारा हथौड़ा, करते हैं एक साथ तीन तीन। हाँ वेरी नाइस, हाँ तीनों बैठे हो बहुत अच्छे लग रहे हो, मेहनत कर रहा है शोना और मजे ले रहे हैं ये दोनों। शोना बस करो बेटा, थक जाओगे।
सुनो बस करो। चलाओ भाई कीवू, चलाओ चलाओ चलाओ, वेरी नाइस कीवू चलाओ। अरे कीवू आओ इधर, टर्न करो टर्न करो, वेरी गुड, चलाओ पैडल करो। हाँ पैडल, हाँ ऐसे, चलो 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 चलो, अभी पैर नहीं पहुँचते हैं पर इज ट्राइंग इज बेस्ट, वेरी नाइस कीवू, वेरी गुड। सुना इसको थोड़ा सा टर्न करा दे बेटा। अरे वाह, अरे वाह कीवू, अरे टर्न कर लिया कीवू ने तो। चल 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 मेरे साथी, नहीं वो कौन सा था, जय अमीरों का, हाँ कौन सा गाना है, जय और वीरू का कौन सा गाना है, वो शोले का, ओहो वो तो हमें भी पता है भूल गए हम तो गाना ही भूल गए। उश नो जूस गो, क्या उश इसको जूस चाहिए तो उश भाई गया, कोई बात नहीं। टुडे इज द नेक्स्ट डे और ये देखिए क्यू पढ़ रहा है, शोना बस अभी सोकर उठा है और क्यू ने अपना यू नो स्टडी भी शुरू कर दी है। वो अलग बात है कि कॉपी उल्टी पकड़ी हुई है, नोटबुक उल्टी है उसके पास, बट पढ़ अच्छा रहा है। हाँ रीडिंग कर लो बेटा, करो फिर से रीडिंग। हाँ शोना मत टच करो, ये शोना की जो थर्ड क्लास की बुक्स है और नोटबुक है उसको रीड कर रहा है। हाँ वो बैग है, हाँ वो लेकर जाएगा कि वो, चलो रीड तो करके दिखाओ मम्मा को एक बार, बुक रीड करके दिखाओ। अरे वाओ सब कुछ रीड कर दिया किवू ने, वाओ कितना अच्छा बेबी है। हाँ कब, अच्छा अभी रुक जाओ। दो कटोरी चीनी और इसमें कम से कम चार कटोरी जाएगा पानी, जस्ट डबल। तो जब तक चाशनी रेडी होगी मैं ये डो रेडी कर लूँगी, और ये जो है पनीर है मैंने इसको क्रम्बल कर लिया है, मतलब आप पहले घर पे जो पनीर है उसको बनाइए और उसके बाद इसको हमें खूब अच्छे से यू नो चिकना कर लेना है। और ये मैं एक स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा, और ट्राई कीजिएगा कि छेने का ही आप जो है ये रसगुल्ला बनाएं। और ये देखिए इसको हमें खूब अच्छे से मथना है, जितना भी हो सके आप इसको बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल चिकना बना दें, जब तक आपके हाथ में ऑयल ना आने लगे आप इसको इसी तरीके से यू नो गूंथते रहें। और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था जब मैं इसको बना रही थी, तो ट्राई करना घर का ही पनीर यूज़ करें, बाहर वाला पनीर जो है उसके मेरे ख्याल से इतने अच्छे रसगुल्ले नहीं बनेंगे। और ये देखिए ये डो मेरा जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, और अब क्या करना है, बस मुझे इसको छोटी छोटी बॉल्स की जो शेप है वो देनी है, और अब बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से, साइज जो है थोड़ा छोटा ही रखना क्योंकि जब ये चाशनी के अंदर जाएगा तो ये साइज जो है डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो पनीर का तो है इसके हम इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। और लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है घर पे बनाना, तो ट्राई कीजिए बहुत इजी रेसिपी है। और ये यहाँ पर देखिए सब रेडी हो गए हैं, और उधर जो मेरी चाशनी चल रही थी वो भी अच्छे से उसमें उबाल आ चुका है। तो अब क्या है ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे और इससे हम 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर पकाएंगे। तो ये मैंने इसके अंदर बॉल्स जो है वो डालना शुरू कर दिया है, इसी तरीके से हम सारे बॉल्स डाल देंगे। और ये देखिए और जैसे जैसे ये पकती रहेंगी इनका जो साइज है वो डबल हो जाएगा,
मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखना, ये देखिए, और कहीं भी कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं से कोई भी यू नो ब्रेक नहीं हुआ है, तो बहुत अच्छे बने हैं, एक बार जरूर ट्राई करना। और बस अब क्या है, इनको हम पलट देंगे और ट्राई करना कि चाशनी जो है काफ़ी, मतलब काफ़ी हो आपकी, इतनी हो कि ये बिल्कुल उसके अंदर यू नो डूब जाए। अगर ऐसा लगे कि चाशनी कम हो रही है तो थोड़ा गर्म पानी कर कर वही इसके अंदर डालना, ठंडा पानी मत डालना वरना टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा और फिर जो रसगुल्ले हैं वो पकने में टाइम लेंगे। तो इस तरीके से इनको हम पलट लेंगे, ये देखिए, और ये जो है ऑलमोस्ट हो चुके हैं, इन्हें पकते हुए 12 से 13 मिनट हो गई हैं। एक दो मिनट के लिए और मैं इनको छोड़ दूंगी ताकि और अच्छे से यू नो पक जाए। तो यस, नाउ दे आर रेडी। और अब मैं इनको जो है एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको यू नो फ्रिज के अंदर रख दूंगी कम से कम 8 घंटे के लिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, चाशनी इतनी हो कि ये आपके जो रसगुल्ले हैं उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से यू नो डिप हो जाए उसके अंदर अच्छे से। और ये हमारे रेडी हैं, और ट्राई कीजिए, इजी रेसिपी, एंजॉय इट, बाय।